सुपर टाइफून यागी ने वियतनाम में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ दस्तक दी है, जिससे 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 176 लोग घायल हो गए। हालांकि मौत और घायल लोगों के ये आंकड़े शुरुआती हैं, इनके बढ़ने की उम्मीद है। इस तूफान में निरंतर हवाओं की अधिकतम गति 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रही। हालांकि तूफान अब उष्णकटिबंधीय अवदाब में बदल गया है, लेकिन इससे पहले टाइफून यागी चीन और फिलीपींस में तबाही मचा चुका था। इस टाइफून को इस साल एशिया में आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक माना जा रहा है। यागी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है बकरी। उत्तर प्रदेश सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी करने जा रहा है। इसका आयोजन 11 से 13 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य भागीदारों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मकसद भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को गति देना और देश को एक महत्वपूर्ण वैश्विक प्लेयर के रूप में स्थापित करना है। इसके अलावा यह एक मंच के रूप में काम करेगा जो भारत में उभरते सेमीकंडक्टर क्षेत्र का पता लगाने और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की खोज करने का अवसर प्रदान करेगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत की ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन योजना के लिए एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। इसका मकसद भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के मेजरमेंट, मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन के लिए एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क मुहैया करना है। ड्राफ्ट ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जो विशिष्ट पर्यावरणीय नॉर्म को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो सर्टिफिकेशन प्रक्रिया के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में काम करेगा। पिछले दो वर्षों से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध में लड़ने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। इसी सिलसिले में बीते दिनों यूक्रेन ने रूस पर हमला करने के लिए ड्रैगन ड्रोन को मैदान में उतारा। इस ड्रोन के द्वारा किया गया हमला ड्रैगन के मुंह से निकलने वाली आग के समान प्रतीत होता है। दरअसल ड्रोन की मदद से रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों में एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड के सफेद गर्म मिश्रण से हमला किया जा रहा है, जिसे थर्माइट के नाम से जाना जाता है। यह मिश्रण लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर जलता है। थर्माइट आसानी से लगभग किसी भी चीज को जला सकता है, जिसमें धातु भी शामिल है। ये ड्रोन उस हथियार को एक नया आयाम दे रहा है, जिसका इस्तेमाल पहली बार जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के ऊपर गिराए गए बमों के रूप में किया था। पेरिस पैरालंपिक 2024 का समापन हो गया है। इस वर्ष का पैरालंपिक भारत के लिए खास रहा, क्योंकि देश ने अब तक के सबसे अधिक मेडल 2024 पैरालंपिक में जीते हैं। इस बार भारतीय दल ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज सहित कुल 29 मेडल जीते। यह उपलब्धि टोक्यो 2020 पैरालंपिक में देश के सर्वश्रेष्ठ 19 मेडलों से कहीं आगे निकल गई है, तथा इन मेडलों की बदौलत भारत मेडल टेबल में 18वें स्थान पर पहुंच गया। वहीं चीन कुल 220 मेडल्स के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत नेशनल क्लीन एयर सिटी की लिस्ट जारी की गई है, और इस लिस्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गुजरात का सूरत शीर्ष स्थान पर है। वहीं मध्य प्रदेश का जबलपुर दूसरे और उत्तर प्रदेश का आगरा तीसरे स्थान पर है। 3 से 10 लाख के बीच आबादी वाले शहरों में फिरोजाबाद पहले, अमरावती दूसरे और झांसी तीसरे स्थान पर रहा। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में रायबरेली पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर नलगोंडा और तीसरे स्थान पर नालागढ़ ने कब्जा जमाया। इस सर्वेक्षण के लिए सरकार ने 133 शहरों में वायु की गुणवत्ता की जाँच की थी, जिसमें ठोस अपशिष्ट जलाना, सड़क की धूल, निर्माण और तोड़फोड़ अपशिष्ट से धूल, वाहन उत्सर्जन आदि का आकलन किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स को लॉन्च किया गया। इन्हें कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। यह ASWCWC यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट परियोजना के चौथे और पांचवें जहाज हैं। इनका नाम INS मालपे और मुल्की रखा गया है। इनका ये नाम भारत के सामरिक महत्व वाले बंदरगाहों के नाम पर है। ये जहाज अधिकतम 25 नॉट की गति से चल सकते हैं और इनकी क्षमता 1800 नॉटिकल मील है। प्रत्येक जहाज हल्के वजन वाले टर्पीडो, ASW रॉकेट और माइंस क्लोज इन वेपन सिस्टम से लैस हैं।
भारत में टील कार्बन पर पहली रिसर्च स्टडी राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में की गई। ये स्टडी क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस की चुनौतियों से निपटने के लिए आर्द्रभूमि संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालती है। टील कार्बन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स यानी गैर ज्वारीय ताजे जल वाली आर्द्रभूमि में संचित कार्बन होता है। इसमें वनस्पति माइक्रोबियल बायोमास घुले हुए और पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक पदार्थ में संचित कार्बन शामिल है। यह एक रंग आधारित टर्मिनोलॉजी है जो ऑर्गेनिक कार्बन के वर्गीकरण को उसके भौतिक गुणों के बजाय कार्यों और स्थान के आधार पर दर्शाता है, और इसके उलट ब्लैक और ब्राउन कार्बन ऑर्गेनिक पदार्थों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग में भूमिका निभाते हैं। भारत दूसरे एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इसका आयोजन 11 से 12 सितंबर को नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें 41 देशों के लगभग 250 प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। आपको बता दें कि एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2018 में बीजिंग, चीन में आयोजित किया गया था। भारत ने 2020 में दूसरे सम्मेलन की मेजबानी करने की पेशकश की थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। भारत 130 सालों में पहली बार ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने जा रहा है। इसका आयोजन नई दिल्ली में 25 से 30 नवंबर के बीच किया जाएगा। इसका आयोजन इफको यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव और 18 ICA सदस्य संगठनों द्वारा किया जाएगा। यह 5 दिवसीय सम्मेलन कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए नए समाधान, टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर केंद्रित होगा। इसमें 100 से अधिक देशों के लगभग 1500 प्रतिष्ठित व्यक्ति हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन की थीम कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल रखी गई है। ICA का मतलब है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, जो दुनिया भर में कोऑपरेटिव समितियों को मंच मुहैया कराता है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1895 में कोऑपरेटिव सोशल एंटरप्राइज मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। दक्षिण कोरिया के सियोल में रेस्पॉन्सिबल AI इन द मिलिट्री डोमेन बैठक खत्म हो गई है। बैठक में एक गैर बाध्यकारी घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन नाम दिया गया है। यह घोषणा पत्र परमाणु हथियारों की तैनाती से जुड़े निर्णयों में ह्यूमन कंट्रोल बनाए रखने की जरूरत पर बल देता है। तकरीबन 100 के करीब देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि परमाणु हथियारों के उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय इंसानों को लेना चाहिए, न कि AI को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी भी प्रकार के पैथोजन यानी रोगाणु के ऑरिजिन की जांच के लिए एक वैश्विक फ्रेमवर्क पेश किया। इसका मकसद जांच विधियों में मौजूद कमियों को दूर करना और पैथोजन के ऑरिजिन के अध्ययन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण स्थापित करना है। इस फ्रेमवर्क को SAGO यानी साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ऑरिजिन ऑफ नॉवेल पैथोजन द्वारा विकसित किया गया है, तथा भारतीय वैज्ञानिकों ने इस फ्रेमवर्क के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत ने मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता प्रदान की है। ये देश अलनीनो घटना के कारण गंभीर सूखे से जूझ रहे हैं, जिसके चलते इन क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों का संकट हो गया है। गौरतलब है कि अलनीनो और ला नीना प्रशांत महासागर में जलवायु पैटर्न हैं जो दुनिया भर के मौसम को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें अलनीनो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने की स्थिति को और ला नीना असामान्य रूप से शीतल होने की स्थिति को दर्शाता है, और ये दोनों घटनाएं भारतीय मानसून पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई और फैक्टर्स हैं जो भारतीय मानसून पर प्रभाव डालते हैं। असम में गोल्डन लंगूरों की आबादी में गिरावट देखी गई है। दरअसल हालिया शोध निष्कर्षों के अनुसार भारत भूटान सीमा क्षेत्र में पाई जाने वाली दुर्लभ प्राइमेट प्रजाति गोल्डन लंगूर विलुप्त होने के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं, और इसका कारण असम में तेजी से हो रहे आवास के नुकसान और वनों की कटाई को बताया गया है। पेड़ों पर अत्यधिक निर्भर रहने के कारण इन्हें लीफ मंकी के नाम से भी जानते हैं। इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और साइट्स की परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किया गया है। बीते दिनों एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में टॉर्टस देखा गया। मध्यम आकार के इस कछुए का खोल पीले, भूरे या फिर जैतून के रंग जैसा होता है, और इसके खोल पर स्पष्ट काले धब्बे दिखाई देते हैं। कछुए की नाक पर एक गुलाबी रिंग होता है जो प्रायः ब्रीडिंग के मौसम के दौरान दिखाई देता है। इन्हें IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के रूप में और साइट्स के परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध किया गया है। ये प्रजाति पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान,
थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और मलेशिया में व्यापक रूप से पाई जाती है। हाल ही में रूस ने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास को शुरू किया। अभ्यास को ओशन 2024 नाम दिया गया है। इस अभ्यास को प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के साथ साथ भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में एक साथ आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का मकसद रूसी नौसेना और वायुसेना की युद्ध तत्परता का आकलन करना और उनकी अंतर संचालन क्षमता का मूल्यांकन करना है। इस अभ्यास में 400 से अधिक युद्धपोत, पनडुब्बियां, 120 से अधिक विमान और 90,000 से अधिक सैन्यकर्मी शामिल होंगे। चीन भी इस अभ्यास में भाग ले रहा है। उसने पीपल्स लिबरेशन आर्मी से 4 जहाज और 15 विमान इस अभ्यास के लिए भेजे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। इनका जन्म 1952 में मद्रास में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जेएनयू विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल करने के बाद 1975 में इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास के बाहर पर्चा पढ़ने के चलते सुर्खियों में आए थे। 1975 में जेएनयू में पढ़ाई के दौरान इमरजेंसी के समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। येचुरी ने गठबंधन युग की सरकार में प्रमुख भूमिका निभाई थी। पहले वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के दौरान और फिर 1996-97 की संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान। दोनों ही सरकारों को CPIM ने बाहर से समर्थन दिया था। उन्होंने भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर सरकार के साथ बातचीत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एशिया पैसिफिक बायोडायवर्सिटी के सहयोगी जर्नल में प्रकाशित एक शोध पत्र के मुताबिक भारत में लंबी नाक वाली अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस नाम की एक नई सांप की प्रजाति खोजी गई। इसकी खोज बिहार के गनौली गांव में सौरभ वर्मा और सोहम पट्टेकर नाम के दो वैज्ञानिकों ने की। ये सांप आमतौर पर बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और असम के गुवाहाटी के बाहरी इलाकों के साथ साथ मेघालय में भी देखे गए हैं। देखने में ये चमकीले हरे या नारंगी भूरे रंग के होते हैं। इनके पेट आमतौर पर नारंगी रंग के होते हैं, जबकि इनकी लंबाई 4 फीट तक होती है। ये जंगलों के साथ साथ शहरों जैसे मानव बहुल क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। गैर लाभकारी संस्था अमेजन कंजर्वेशन ने दावा किया है कि अमेजन वर्षावन के लगभग 40% क्षेत्रों को विशेष सरकारी संरक्षण नहीं दिया गया है। ये क्षेत्र अमेजन के सुदूर दक्षिण पश्चिम में पेरू में तथा सुदूर उत्तर पूर्व में ब्राजील, फ्रेंच गुयाना और सुरीनाम में स्थित हैं। जलवायु परिवर्तन को रोकने और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिहाज से अहम इस वर्षावन में कुल 71.5 बिलियन टन कार्बन स्टोर है। यह आंकड़ा 2022 में उत्सर्जित कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 2 गुना है। तकरीबन 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैले अमेजन एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में अमेजन और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन में मौजूद है। यह उत्तर में गुयाना हाइलैंड्स, पश्चिम में एंडीज पर्वत, दक्षिण में ब्राजीलियाई सेंट्रल पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और पर्यावरण को सुरक्षित करने के मकसद से केंद्र सरकार ने 10,900 करोड़ रुपए की पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत बैटरी से चलने वाले 2-व्हीलर और 3-व्हीलर, एम्बुलेंस, ट्रक और दूसरे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना फेम योजना की जगह लेगी। फेम योजना को अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था। इसे 2 फेज में 9 सालों तक चलाया गया। अब नई पीएम ई ड्राइव यानी इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना में नई सुविधाओं को भी जोड़ा गया है। इनमें 88,500 स्थानों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100% सहायता देने का प्रावधान भी शामिल है। आज नागरिक विमानन को लेकर आयोजित दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाए जाने का ऐलान किया। दिल्ली घोषणा पत्र विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक दूरदर्शी रोड मैप है। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन 11 सितंबर को नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू की अध्यक्षता में शुरू हुआ है। इस दौरान श्री नायडू ने 2025 तक विमानन कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 25% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नागर विमानन बाजारों में से एक है। हाल के दिनों में इसके घरेलू हवाई यातायात में उल्लेखनीय तेजी देखी गई है। अमेरिका ने भारत को 52.8 मिलियन डॉलर कीमत की हाई एल्टीट्यूड पनडुब्बी रोधी प्रणाली सोनोबॉय बेचने का फैसला किया है। हालांकि अभी से अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी मिलना बाकी है।
सोनोबॉय एयर लॉन्च एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर है जिसका इस्तेमाल समुद्र की गहराई में उन साउंड वेव्स का पता लगाने में किया जाता है जिसे पनडुब्बी छोड़ती है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल एंटी सबमरीन वॉरफेयर के तौर पर किया जाता है। साथ ही यह पानी की गहराई में होने वाली रिसर्च में भी काम आता है। सोनोबॉय की सबसे खास बात है कि इसे पनडुब्बी, वॉरशिप और हेलीकॉप्टर तीनों से लॉन्च कर सकते हैं। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म को भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए लॉन्च किया गया है। प्लेटफॉर्म को एमएसएमई मंत्रालय, विदेश मंत्रालय जैसे प्रमुख भागीदारों के सहयोग से विकसित किया गया है। प्लेटफॉर्म आसान तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी तक तत्काल पहुंच प्रदान करेगा और निर्यातकों के लिए नए बाजार जोड़ने के लिए सिंगल विंडो के रूप में काम करेगा। इसके अलावा यह भारत को वैश्विक बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने और छोटे व्यवसायों को सहायता देने में सक्षम बनाएगा। मैक्सिको दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति दी है, यानी सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च स्तरीय न्यायाधीशों के साथ साथ स्थानीय स्तर के न्यायाधीशों को वोट से चुना जाएगा। इस बदलाव के चलते 2025 या 2027 में लगभग 1600 न्यायाधीशों को चुनाव लड़ना होगा। आपको बता दें कि कुछ देशों जैसे अमेरिका में कुछ राज्यों में न्यायाधीश निर्वाचित होते हैं तथा बोलीविया में उच्च स्तरीय न्यायाधीश का निर्वाचन होता है, लेकिन मैक्सिको में ऐसी व्यवस्था एक गंभीर संकट को जन्म दे सकती है क्योंकि यहाँ शक्तिशाली ड्रग माफिया अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत और धमकी का इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह में हिस्सा लेने के लिए ओमान पहुंची। सैन्य अभ्यास के इस पांचवें संस्करण का आयोजन 13 से 26 सितंबर तक ओमान में किया जा रहा है। यह अभ्यास रेगिस्तानी वातावरण में संचालन पर केंद्रित होगा। यह संयुक्त अभ्यास रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा और दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाएगा। अभ्यास अल नजाह 2015 से हर दो साल में एक बार आयोजित होता है। इसका आयोजन भारत और ओमान के बीच बारी बारी से किया जाता है। केंद्रीय कैबिनेट ने मौसम के प्रति अधिक सजग और जलवायु स्मार्ट बनने के लिए मिशन मौसम को मंजूरी दी है। 2000 करोड़ रुपए वाले इस मिशन का क्रियान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत किया जाएगा। इस दो वर्षीय पहल का मकसद चरम मौसम और जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ाना है। यह मिशन मौसम संबंधी पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसे उन्नत टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेगा। भारत की राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार 2024 प्रदान किए। ये पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान स्वरूप दिए जाते हैं। इस पुरस्कार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में स्थापित किया गया था। आपको बता दें कि फ्लोरेंस नाइटेंगल को व्यापक रूप से आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 12 मई 1820 को फ्लोरेंस, इटली में हुआ। नर्सिंग क्षेत्र में उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन यानी 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी।